हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू डोंट डॉक्टर वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं मैवी केयर 2 के बारे में। काफी कमेंट्स आए थे कि आप इसके बारे में बताएं, ऑक्यूसिंक के बारे में डिटेल में बताएं क्या है और वो कैसे बेटर है हमारे मैवी केयर 1 से, और व्हाई इट इज इतनी इसके हल्ला क्यों मचा हुआ है इस ड्रोन के बारे में, और ये हल्ला मचाने लायक भी है ये ड्रोन, इसीलिए हल्ला मचा हुआ है। तो अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। हम इस चैनल पे लाते हैं आपके लिए ड्रोन से रिलेटेड वीडियोस, रेगुलेशन से रिलेटेड वीडियोस और टेक जो मैं यूज़ करता हूँ, जैसे मोबाइल हो गया, गैजेट्स, ऑल दैट, और कभी कभी आपके हेल्थ वीडियोज भी इस पर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। तो सबसे पहले इसका जो फीचर, जो कि एकदम मैं कहूँगा जिसने गेम चेंज कर दी है पूरे मतलब सेगमेंट्स में, एकदम तूफान मचा दिया है, वो है ऑक्यूसिंक टेक्नोलॉजी। अब काफ़ी लोग कह रहे थे कि इसके बारे में भी डिटेल में बताया जाए। काफ़ी को अगर आपको मालूम है तो ठीक है, बट ये उनके लिए वीडियो बन रहा है जिनको नहीं मालूम है। तो वो बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारे पास था पहले मैविक एयर, जो इस सेगमेंट में जितने भी ड्रोन्स थे, जैसे अभी इससे नीचे वाले से मैविक मिनी आया है, स्पार्क आया है, और ये हमारा मैविक एयर है, मैविक एयर 1 है, दिस इज, इन सब में DJI ने क्या डाला था, जो टेक्नोलॉजी रिमोट के साथ कनेक्ट करने के लिए थी, वाईफाई। अब इसमें क्या दिया, इम्प्रूव्ड वाईफाई, स्पार्क में सिर्फ वाईफाई, मैविक मिनी में भी वाईफाई। तो जो वाईफाई कनेक्शन है वो आपको जो कैपेबिलिटी है उसकी, ट्रांसमिशन की, ट्रांसमिशन मतलब जो ये वीडियो खींचेगा और आपके मोबाइल के ऊपर जो रिमोट के साथ कनेक्टेड है उस पर कितना देर तक आपके पास सिग्नल आता रहेगा कनेक्टिविटी के ऊपर। तो इसमें लिखा जाता था डब्बे के ऊपर 4 किलोमीटर, और ये हार्डली 2 किलोमीटर तक रिलायबल आपको सिग्नल देता था, मतलब उसका जो कनेक्शन है रिमोट के साथ 2 किलोमीटर तक, वो भी आप डर रहता था आपको, अगर आप कोई ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे थोड़ी इंटरफेरेंस है, वहां पे वो भी गया। तो सेफेस्ट जो कनेक्शन था मैविक एयर 1 के साथ सिर्फ 1 किलोमीटर का था, जिसमें आपको कोई चिंता नहीं होगी कि हमारा ड्रोन का सिग्नल टूटेगा, तो वो पॉसिबल था वाईफाई में। लेकिन जो ऑक्यूसिंक टेक्नोलॉजी है इनकी, ये रेडियो सिग्नल टेक्नोलॉजी है, इसमें काफ़ी अडेप्टेशंस किए हैं, अब ऑक्यूसिंक 3 आ गया है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये इसके हाई एंड ड्रोन्स में था DJI के, जैसे फैंटम 4 प्रो, फैंटम, DJI मैविक प्रो, मैविक प्रो 2 और जितने मैविक प्रो सीरीज के हैं सब में ये टेक्नोलॉजी है, और अब इम्प्रूव टेक्नोलॉजी को उन्होंने ऑक्यूसिंक 3 बोल दिया, जो हमारे अब इस मैविक एयर में भी है 2 में। इसका क्या फ़ायदा है, इसका इन्होंने रेंज लिखा हुआ है 10 किलोमीटर फुल HD, और पहले वाले वीडियो में क्या था, सिर्फ 4 किलोमीटर 720p रेजोल्यूशन है। तो ये जो अब नई टेक्नोलॉजी है, इससे सबसे बड़ी एडवांटेज ये मिलने वाली है कि आप चिंता छोड़ दें कि सिग्नल टूटेगा काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पर भी, कम से कम 6-7 किलोमीटर तो आप निश्चिंत हो जाए। वैसे इन्होंने 10 किलोमीटर लिखा है, इतना दूर ले जाना नहीं चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा ड्रोन को कि आप यहाँ खड़े हैं और आप ड्रोन 10 किलोमीटर दूर भेज दें, डोंट डू दैट, पर इसमें कैपेबिलिटी उन्होंने बताई है, और आपका सिग्नल कभी नहीं टूटेगा, आपका डिस्प्ले कभी नहीं ऑफ होगा। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है, जब भी आप ड्रोन फ्लाई करते हैं सबसे ज़्यादा चिंता जो फ्लायर जो होता है, जो ड्रोन पायलट है, जैसे मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ, मेरे दिमाग में यही रहती है कि मेरा सिग्नल ना टूट जाए ड्रोन के साथ और कंट्रोल ना चला जाए, ड्रोन खो ना जाए। अब इस मैविक एयर 2 के आने से, ऑक्यूसिंक 2 के आने से, इस प्राइस रेंज में आप निश्चिंत हो जाएंगे, आपको इस चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपका ड्रोन खो सकता है, सिग्नल टूट सकता है, क्योंकि ऑक्यूसिंक टेक्नोलॉजी मानी हुई है, ये सिग्नल कभी भी नहीं टूटता। अप टू 10 किलोमीटर वो रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा जाना भी नहीं चाहिए, और वो बहुत बढ़िया आपको फुटेज मिल सकती है उसमें, और बहुत इंजॉय कर सकते हैं विदाउट एनी वरी, कोई आपको चिंता करने की बात नहीं होगी। तो ये है ऑक्यूसिंक का फ़ायदा, और ये अब तक महंगे ड्रोन्स में आ रहा था DJI के, अब इन्होंने मिड सेगमेंट ड्रोन में ला के तहलका मचा दिया है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में ये टेक्नोलॉजी मिल जाना सबसे बड़ा बात है। दूसरा, इसमें आपको खास फीचर जो मिलने वाला है वो है एयर सेंस। एयर सेंस इसी ड्रोन से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं पर अपना ड्रोन उड़ा रहे हैं और वहां पर कोई एरोप्लेन आ गया आपके ऊपर, हवा में एरोप्लेन निकल रहा है वहां से, तब ड्रोन ऑटोमेटिकली उस जगह से काफी दूर चला जाएगा, मतलब नीचे हो जाएगा, ताकि ऐसा कोई बड़ा हादसा ना हो सके, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें सेंसर है, इसको कहते हैं एयर सेंसर टेक्नोलॉजी, जो इस ड्रोन में है,
और ये बहुत बढ़िया फीचर है सेफ्टी के हिसाब से। तो नंबर टू फीचर ये है इसमें खास। नंबर थ्री इसमें है आपको, जो अब तक किसी भी ड्रोन में नहीं है, इवन प्रो सीरीज में भी नहीं है, 240 फ्रेम पर सेकंड का फुटेज। लेकिन ये आपको 4K में नहीं, फुल HD में मिलेगा। जिसको एकदम मक्खन की तरह सुपर स्लो मोशन वीडियो बनाना है, फुटेज बनानी है, एरियल फुटेज विद फुल स्लो मोशन, तो आपको मैविक एयर 2 ले लेना चाहिए। प्राइस अच्छा है और आपको ये जो फीचर है ये किसी में भी नहीं है। अभी प्रो सीरीज में भी 240 फ्रेम्स का स्लो मोशन नहीं है, 120 तक है वहाँ पे। उसके बाद इसमें सेंसर जो मैविक एयर में था वो था 1/2.5 और इसमें आपको मिलता है 1/2, तो आधे इंच का सेंसर है। नो डाउट मैविक प्रो से कंपेरिजन नहीं कर सकते सेंसर का। तो जो ट्रूथ है मैं आपको बता रहा हूँ, नाइट में इसकी फुटेज वैसी नहीं मिलेगी जैसे आपको मैविक प्रो में मिलती है, क्योंकि सेंसर साइज थोड़ा छोटा है। तो वो आप नाइट में मत उड़ाएं, नाइट में उड़ाने की जरूरत भी क्या है, तो वो आप निगलेक्ट कर सकते हैं। यही इसमें एक माइनस है एज कम्पेयर टू मैविक 2 प्रो। उसमें जाना है तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा, क्योंकि नाइट फुटेज जो बड़ा सेंसर चाहिए, अच्छी लाइट आनी चाहिए अंदर सेंसर में, तो अच्छा फुटेज आएगा, तो वो इसमें आपको पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज इट इज वेरी गुड ड्रोन, 4K 60 फ्रेम पर सेकंड में आपको फुटेज दे रहा है, जो कि मैविक 2 प्रो में आपको मिलती है सेम, सो दैट इज वेरी गुड। इसके अलावा जो पुराने वाले मैविक एयर से ये वाले मैविक एयर में थोड़ा साइज में फ़र्क है, थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा भारी भी ज़्यादा है। और उसका फ़ायदा ये है कि आपको एडवांटेज मिलेगा, विंड हैंडलिंग अच्छी करेगा, स्टेबल ज़्यादा रहेगा, सो दैट इज़ एडवांटेज। एंड बैटरी लाइफ अच्छी मिलेगी, क्योंकि बैटरी बड़ी हो गई है, आधा घंटा तो आराम से देने वाला है ये। सो कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जो DJI ने छोड़ा हो इस मैविक एयर 2 को बनाते हुए। हर एक चीज़ आप टेक करेंगे, अच्छी इमेज क्वालिटी टेक, गिम्बल टेक, ऑक्यूसिंक टेक, गुड बैटरी लाइफ टेक, गुड फ्लाइट टाइम टेक, गुड सेंसर्स टेक, और क्या चाहिए। अब एक रॉमिस की बात करते हैं, जो रिमोट आया वो पर्सनली वैसे डिज़ाइन वाइज अच्छा नहीं लगता दिखने में, हैवी है, बट उसके वैसे एडवांटेजेस बहुत हैं। उसमें मोबाइल ऊपर की तरफ लगता है और बहुत अच्छे से आप अटैच कर सकते हैं। वो जो पहले खुलने वाला हिसाब था वो ख़त्म हो गया, मुझे भी वो पसंद नहीं था, उसमें कई बार लगाते लगाते कनेक्शन वो USB निकल जाता था। एंड इसकी बैटरी ज़्यादा है तो ज़्यादा देर तक आपको चलेगा, आपका साथ देगा। सो इन फीचर से भरपूर है। तो अब तक का मैं बेस्ट ड्रोन कहूँगा मिड सेगमेंट में मैविक एयर 2। अगर आपके पास बजट है एंड आप $1000 से ऊपर वाले ड्रोन में नहीं जाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द चॉइस। और मैं कहूँगा पर्सनली फ्लाइम और कॉम्बो ना भी लें तब भी आपको इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आधे घंटे की आपको बैटरी लाइफ मिल रही है, उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए फुटेज। ऑन द अदर हैंड अगर आप प्रोफेशनल हैं जहाँ पर आपको लंबी फुटेज चाहिए, देन यू गो फॉर कॉम्बो पैक। अब लास्ट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आ रहा होगा, इंडिया में कब आएगा। तो भैया इंडिया में अभी चल रहा है लॉकडाउन, तो लॉकडाउन के रहते बहुत मुश्किल है, क्योंकि एयर ट्रैवल इतना नहीं हो रहा बाहर से, बाहर से ही आता है, और आना कहाँ से है, ये चाइना से, जिससे अब देखिए क्या सा सिनेरियो आप सबको मालूम है। तो हो सकता है इसका इंडिया में पहुंचने में देरी हो, बट नेवर माइंड, आएगा ज़रूर। और बन रहे चैनल के साथ और अपने सुझाव ज़रूर लिखें, और जो जो बंदा ये लेना चाहता है मेरी रिकमेंडेशन फुल है इसमें, इट इज़ द बेस्ट ड्रोन नो डाउट्स, काफ़ी रिव्यूज़ आ चुके हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं कहूँगा। तो जो जो लेना चाहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने विचार भी प्रकट करें, आपको क्या लगा, और कुछ मिस हो गया हो मेरे से इस ड्रोन के बारे में, और कुछ आप जानना चाहते हो और एंगल, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आई विल मेक वीडियो ऑन दिस। और जैसे मेरा स्टोरीज फीचर चल भी चुका है, तो थैंक यू टू ऑल, तो ऐसे प्यार देते रहें हमारे चैनल को, और लाइक कर दें, कमेंट कर दें एंड शेयर कर दें वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय ड्रोन फ्लाइंग, बट अभी तो आपको घर में ही रहना पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू वेरी मच।